हेलो एवरीवन, माय सेल्फ निधि चौधरी। कैसे हैं आप सभी? आज हम बनाएंगे वाटरमेलन जूस। ये हमने लिया है यहाँ पे वाटरमेलन, तरबूजा। सबसे पहले हम इसको कट करेंगे। वाटरमेलन को हमने बीच में से कट किया। अब हम इसका ये जो छिलका है, ये जो इसके जो नीचे का हिस्सा है, इसको हटा देंगे और जो रेड रेड है इसको रख लेंगे। सी एवरीवन, इस तरीके से आपको इसको पीसेज में कट कर लेना है। आप देख सकते हैं ये जो इसका नीचे का जो छिलका था उसको हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, हमने लिया है काला नमक, साथ में हमने लिए चीनी और आधा नींबू का रस। हमें वाटरमेलन जूस बनाने के लिए इन चीज़ों की नीड है। और आइस क्यूब ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, मिक्सर का जार लेंगे, डाल लिया, इसके अंदर हम डाल देंगे वाटरमेलन, डाल देंगे चीनी, टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिया है काला नमक और नींबू का रस। अब इन सबको हम 2 मिनट के करीब ग्राइंड करेंगे। एवरीवन, हमने 2 मिनट के करीब इसको चलाया है। अब हम क्या करेंगे, इसको छान लेंगे। हमारा जो जूस है वो छन गया, सी चलनी के अंदर इस तरीके से निकला है। बीज वगैरह जो भी थे वो सब चलनी के अंदर आ गए और हमने इसको छान लिया है। अब हम क्या करेंगे, वापस से मिक्सर का जो जार है उसके अंदर इसको डालेंगे, साथ में आइस क्यूब डालेंगे और 1 मिनट के करीब हम इसको और ग्राइंड करेंगे। जो जूस है वो बन के प्रॉपर तैयार है। अब हम इसको गिलास के अंदर डालेंगे। वाओ सी एवरीवन, हमारा जो जूस है वो गिलास के अंदर आ चुका है। आप वाटरमेलन को सिंपल भी काट के खा सकते हैं, जरूरी नहीं है आप इसका जूस बना के पिए, बट आप इस तरीके से इसका जूस भी बना सकते हैं। काफ़ी इजी है इसको बनाना और ये काफ़ी अच्छा भी बनता है। सो अब हम इसके अंदर लगाएंगे स्ट्रो और हम इसको पी जाएंगे। कूल कूल जूस बनके तैयार है। आप ट्राई जरूर करना। ओके, हैव अ गुड डे।